लीजिए, हमारे ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, कोई आरोप नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन में मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं है। नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के समापन के बाद एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि उनका नाम मेवालाल चौधरी है, जो इस समय विवादों में घिरे हुए थे, नियुक्ति घोटाले को लेकर उन पर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और जो महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी उन पर ट्वीट करके कहा था कि जंगल राज मेरी वजह से नहीं, नीतीश बाबू के वजह से आ रहा है। और इसी बीच इसी सरगर्मियों को देखते हुए नीतीश कुमार इस बार फैसला लेना था उन्हें कि इस बार वो शिक्षा मंत्री को अपने कैबिनेट में रखते हैं या नहीं। पर अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, वो अपने कार्यकाल को एक हफ्ते भी नहीं संभाल पाए और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सुन लीजिए, हमारे ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है हमारे ऊपर आज के दिन में। और जिनके ऊपर जो है, जो अंदर हैं, जो अंदर जाने वाले हैं, वही लोग लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन में मेरे ऊपर कुछ नहीं है। और जो भी आपको बरी कर दिया है क्या? कोर्ट कुछ था ही नहीं तो कोर्ट तो बरी करेगा ही, अगर कुछ रहता तब ना। अगर कुछ नहीं था तो बर्खास्त क्यों किए गए थे आप पार्टी से? देखिए, ये सब चीजें कभी कभी मतलब क्या बताएं, मतलब ये सब सवालात उससे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार अब आगे क्या करती है, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्रालय किनके हाथ में जाता है। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।